सफलता के इस दौर में भी असफल हूं मैं। क्यों? क्योंकि बेटी हूं मैं। पंख मिले हैं मुझे उड़ने को, फिर भी पिंजरे में बंद हूं मैं। क्यों? क्योंकि एक बेटी हूं मैं। पर अब नहीं, असफलता को सफलता में बदलूंगी, क्योंकि एक बेटी हूं मैं। खुले आसमां में उड़ूंगी, क्योंकि एक बेटी हूं मैं। जीवन में जो बनना है वो बन के दिखाऊंगी, क्योंकि एक बेटी हूं मैं। क्योंकि एक बेटी हूं मैं। नमस्ते, मेरा नाम साक्षी निकोड़े है। मैं सर्वप्रथम COPS ग्रुप को धन्यवाद कहना चाहूँगी, जिनके वजह से मुझे आज बोलने का अवसर मिला। आज सुबह मैंने अखबार में कृतिका नेर के बारे में खबर पढ़ी कि नई मुंबई की कृतिका नेर नीट 2021 की परीक्षा में महाराष्ट्र में प्रथम। ये खबर पढ़ के मन में उत्साह जागृत हुआ। लगा कि लड़कियाँ पढ़ रही हैं, आत्मनिर्भर बन रही हैं। पर जब मैंने उसी अखबार के उसी पन्ने में दूसरी खबर पढ़ी कि महाराष्ट्र के पालघर में चार लोगों ने मिलकर एक नाबालिग लड़की का बलात्कार कर दिया, तो आंखों में से आंसू आए, मन घबराया। हैरानी तो इस बात की हुई कि समाचार पत्र के एक ही पन्ने ने समाज की सारी असलियत बयान कर दी कि जहां एक तरफ लड़कियां पढ़ रही हैं, अपनी नई पहचान बना रही हैं, तो दूसरी तरफ लड़कियों की पहचान मिट रही है, लड़कियों का आत्मसम्मान मिट रहा है। भारत मेरा देश है और हम सब भारतवासी भाई बहने बोलने वाले इस देश में क्यों बहनें असुरक्षित हैं? क्यों रात होते ही बेटियां वापस नहीं आई तो मन घबराता है? क्यों हम हमारे भारत को पूरी तरह बेटियों के लिए सुरक्षित नहीं रख पा रहे? इसका उत्तर है सोच। जी हाँ, समाज की सोच। किसी और की बेटी को लोग छेड़ रहे हैं तो हमें क्या करने वाली सोच? पर सोच को बदलना होगा। समय की मांग है सोच को बदलना, क्योंकि जब सोच बदलेंगी तभी समाज बदलेगा। जिस तरह किसी एक पंख के पक्षी का उड़ पाना असंभव है, ठीक उसी तरह बिना महिलाओं के संसार का विकास करना असंभव है। किसी लेखक ने ठीक ही कहा था, सशक्त नारी से ही बनेगा सशक्त भारत। और इस सशक्त भारत के निर्माण के लिए महिलाओं का शारीरिक और मानसिक रूप से सशक्त होना बहुत जरूरी है। हमें बेटियों को कराटे और मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग तो देनी ही चाहिए, पर लड़कों को अच्छे संस्कार भी देने चाहिए। अगर आपका घर का बेटा घर को रात के 12 बजे वापस आ रहा है तो उसे पूछना ही चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो ही जाके निर्भया जैसी घटनाएं समाज में कम होंगी। पर महिलाओं के ऊपर के अत्याचार दिन भर दिन बढ़ते जा रहे हैं, खास करके कोरोना जैसी महामारी में महिलाओं के ऊपर के अत्याचार तेजी से बढ़े, क्योंकि जिन्हें वो पति परमेश्वर समझती थी वो खुद राक्षस बनकर उनके ऊपर अत्याचार कर रहे थे। अभी डरना नहीं है, इनसे बचें। कोई एक मारे तो आप दो मारने की हिम्मत रखें। किसी ने आपकी तरफ गलत नज़र से देखा तो आप उसकी नज़र झुकाने की हिम्मत रखें। हमारे भारत देश में लगभग 50% आबादी महिलाओं की होने के बावजूद संसद में 20% से भी कम सीटें महिलाओं की हैं। इसे बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे महिलाओं के हित में फैसले तभी लिए जाएंगे जब संसद में महिलाएं होंगी। अभी हमें उदाहरण सीखने की ज़रूरत है, जैसे प्रतिभाताई पाटिल हमारी पहली महिला राष्ट्रपति, इंदिरा गांधी हमारी पहली महिला पंत प्रधान। हमें इनसे सीखने की ज़रूरत है, इनसे प्रेरणा लेने की ज़रूरत है और खुद अपनी मार्ग और खुद अपना रास्ता बनाने की ज़रूरत है। अभी डरना नहीं है, आगे बढ़ना है। याद रखना मेरे दोस्तों, समाज हमेशा बोलेगा कि बेटी ऐसी है बेटी वैसी है, पर उनसे डरना नहीं है। महिलाएं कभी हारती नहीं, उन्हें हराया जाता है। समाज के डर से उन्हें झुकाया जाता है, पर अब डरना नहीं है। खुद आत्मनिर्भर बनके आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। धन्यवाद।